अस्सलाम वालेकुम। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। अगर इस टॉपिक को देखा जाए इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा है अगर आप हायर क्लासेस की बात करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री है क्या। देखें, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं हमारे पास एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स, एक ही एलिमेंट होता है, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, मुख्तलिफ एटम। अगर सपोज ये एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 3 है। अब इनके रिलेटिव अबंडेंस को मालूम करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक यूज कर रहे होते हैं। मतलब मैं सिंपल बात कहूं, आपने एक चीज पढ़ी रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव एटॉमिक मैस किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करके किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मैस मालूम कर सकते हैं। सही है। आप देखो जी, आप पढ़ते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है 1.008 AMU। अब ये एटॉमिक मैस निकाले किस तरह गए हैं? और ये बात कर रहा हूं रिलेटिव एटॉमिक मैस की। किसकी बात कर रहा हूं? रिलेटिव एटॉमिक मैस, जो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकाले जाते हैं, उसको निकालने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही। अब इसकी डेफिनेशन पहले नंबर पर, एक सिंपल सी डेफिनेशन है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। मैस स्पेक्ट्रोमीटर, अब किसी भी एलिमेंट का मैस मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा। सही। देखो, इंसान का मैस करते हैं तो आप कोई तराजू इस्तेमाल करते हो। सही। आप समझ लो कि वही हमारे पास कोई तराजू है जिसको हम यूज करेंगे और किसी भी एलिमेंट का मैस मालूम करेंगे, उसको हम नाम दे रहे होते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रो मीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना, इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा आला है विच इज यूज, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विच इज यूज टू डिटरमाइन, मालूम करने के लिए यूज टू डिटरमाइन द मैसेज। मैसेज को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड। चलो इज कॉल्ड, क्योंकि हमने शुरू में बात कर ली, मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटरमाइन द मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट। मुख्तलिफ एलिमेंट के जो आइसोटॉप है उसका मैस मालूम करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर का मैस स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ कर रहे होते हैं। ये बात एक सिंपल सी याद रखनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा होता है, इसकी टाइप्स कितनी है, इसके मुतालिक कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्टन एंड डैम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्टन एंड डैम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। अगर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की बात करूँ ना, हमारे पास दो तरह के मैस स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, एक एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर साइंसदान के नाम पे है। एस्टन साइंसदान का नाम है और डैम्पस्टर भी साइंसदान का नाम है। सही है। तो हमारे पास टाइप्स अगर देखे जाए मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, दो तरह की किस्में हैं। किस तरह के हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर है? दो तरह के, एक हमारे पास होता है एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, और एक हमारे पास डैम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, डैम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इन दोनों में फ़र्क करना चाहते हैं कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अच्छा, एक सिंपल सा डिफरेंस है, जो एस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ना, ये थोड़ी ओल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। क्या हमारे पास ओल्ड स्पेक्ट्रोमीटर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, जो डैम्पस्टर है ये थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है। ये क्या हमारे पास
लेटेस्ट वर्जन है। तो यही बात पहले लिखेंगे, एस्टन इज ओल्ड वर्जन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर यानी जो पुराने वाले, जिस तरह आप मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल अगर देखें पुराना नोकिया होता था, जो पुराने वाला मोबाइल है सेम वो एस्टन है। अब जो भी चीज़ पुरानी होती है उसमें याद रखिएगा उसमें फंक्शन कम होते हैं, सही है। तो जो डेम्स्टर है ये थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है, सही, लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इट इज अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा जो हमारे पास ओल्ड चीज़ होती है ना उसके अंदर थोड़ी बहुत खामियां होती हैं। जिस तरह आप देखें पुराने मोबाइल की बात करते हैं, पुराने मोबाइल में ना तो व्हाट्सएप यूज़ होती है, ना ही आपको गूगल वगैरह कोई चीज़ सर्च कर सकते हो, ना ही कोई वीडियो देख सकते हो, सही है। अब जो न्यू मोबाइल आ रहे हैं उसमें एंड्रॉयड, उसमें आप हर एक काम कर सकते हो, सही है। तो जो एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर था, आप देखो एलिमेंट तीन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। और मैंने क्या करना है यहाँ पे एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को मालूम करना है। क्या करना है? एटॉमिक मैसेज को मालूम करना है किसी भी एलिमेंट के। अब एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को मालूम करना चाहता हूँ तो एलिमेंट हमारे पास तीन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। एस्टन सिर्फ और सिर्फ गैसेस स्टेट में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे उनके लिए सूटेबल था, जबकि ये वाला सबके लिए सूटेबल था, सही है। तो इट इज ओनली सूटेबल फॉर दोज एलिमेंट्स। ये उन एलिमेंट्स के लिए सूटेबल था विच आर प्रेजेंट जो के मौजूद हैं, प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। लेकिन ये सॉलिड स्टेट के लिए भी ज़्यादा सूटेबल था। याद रखिएगा आपके एलिमेंट अगर पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं ना, 80% एलिमेंट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में। तो हमारे पास 80% एलिमेंट के लिए हम ये वाला मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये वाला मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए था, जबकि ये वाला सॉलिड स्टेट के लिए भी था। किसके लिए था? सॉलिड स्टेट के लिए भी था। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सॉलिड स्टेट एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये बच्चे सिंपल सा डिफरेंस है एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर एंड डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जिसकी हमने यहाँ पे बात करनी होती है वो है इसके पार्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। किसकी बात करेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहले सिर्फ नाम देख लीजिएगा, फिर हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे। चलिए सबसे पहले ऐसा करें, इसके डायग्राम देख लें। डायग्राम देख के मैक्सिमम चीज़ें आपको डायग्राम से समझ आ जाएंगी, फिर हम सारी की सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के इंस्ट्रूमेंटेशन कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब इसमें क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले ना आपके पास एक आयोनाइजेशन चैम्बर होता है, इसके बाद यहाँ से हम गैसेज को इंटर कर रहे होते हैं। आपका मैस स्पेक्ट्रोमीटर मुख्तलिफ शेप्स का हो सकता है, सही, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। इस तरह की हमारे पास मोस्टली मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किए जाते हैं, सही है। तो ये हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर कुछ इस तरह की शेप होती है। अब इस शेप में अगर गौर करेंगे ना तो यहाँ से आपने जो भी देखो जिस एलिमेंट का एटॉमिक मैस मालूम करना चाहते हैं ना उस एलिमेंट को आप यहाँ से इंटर करोगे। कहाँ से इंटर करोगे? ये जो इनलेट बनी हुई है ना, ये वाला सुराख बना हुआ है, यहाँ से आप इसको इंटर कर रहे होते हो जिस एलिमेंट का एटॉमिक मैस मालूम करना है, सही है। क्या हमारे पास इनलेट फॉर सैंपल। ये सैंपल के लिए इनलेट है, आपने सैंपल को करना है यहाँ से इसके अंदर डालना है। अब इसके बाद सबसे पहले जो इतना पार्ट आता है वो होता है आयोनाइजेशन चैम्बर। क्या नाम देते हैं उसको? आयोनाइजेशन चैम्बर। और आयोनाइजेशन चैम्बर ऐसी जगह होती है जहाँ पे आयन्स बनते हैं,
चेक कीजिएगा आयोनाइजेशन चैम्बर किस तरह का होता है। यहां पे हमने क्या किया था, एक फिलामेंट लगाया होता है इस तरह का। अब फिलामेंट किस तरह होता है, जिस तरह आपका बल्ब जो होता है ना 100 वाट का, उसके अंदर एक बिल्कुल बारीक सा स्प्रिंग होता है, जैसे आप ऑन करते हो वो चमकना शुरू हो जाता है, सेम इस तरह का फिलामेंट यहाँ पर लगाया होता है, सही है। और इसको बैटरी का ना मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है, किससे तो जोड़ा हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और यहाँ पे मैंने एक मेटल की पतली लगा रखी है और इसको मैंने जोड़ रखा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब ये कैथोड है और ये क्या हमारे पास एनोड है। और याद रखिएगा कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, इस तरह इससे इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह मूव करते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने के बाद ये जो नीचे हमारे पास कैथोड पड़ा होता है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है नीचे की तरफ, सही है। और इस इतने पार्ट को हम नाम दे रहे होते हैं, इतने पार्ट को क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर। अब आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या काम हो रहा था, CHAMBER चैम्बर कहता है खाने को, आम जबान में क्या कहते हैं, खाना, कि यहां पे आयोनाइजेशन होगी, सही है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है कि यहां पे एक बिल्कुल इस तरह की एक जाली नुमा चीज लगी होती है जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है, सही। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, जाली नुमा चीज़ है, बिल्कुल बारीक बारीक इसके में सुराख होते हैं, और इसको मैंने क्या किया होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है और हाई वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इसको हम नाम दे रहे होते हैं एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड। क्या नाम देंगे इसको, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड का नाम दे रहे हो, तो आपको पता चलिए एक्सेलरेटिंग कहते हैं जिसकी ऐसी चीज़ जो स्पीड तेज करने के लिए इस्तेमाल की जाए, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा वर्ड, सही है। इसको हम सिंपल ये काम है जिसको एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पहले थोड़ी थोड़ी समझ लो, बाकी लास्ट में हम सारी चीज़ें एक दफ़ा लिख लेंगे। अब होता क्या है कि आप यहाँ से जो भी गैस है उसको आप यहाँ से इंटर करोगे। अगर मैं बात करता हूँ गैस की, तो गैस में अकेला अकेला एटम होगा, क्या होगा, अकेला अकेला एटम होगा। आपने यहाँ से गैस को इंटर किया, अब इसको समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये मेरे पास एक एटम आ गया इसके अंदर, एक ये आ गया एटम, चलो मैं थोड़ा सा बारीक करके बना देता हूँ ताकि बात समझ, मेन बात बच्चे समझना, ये इसके अंदर मुख्तलिफ एटम्स आ गए। अगर मैं इसमें से ना एक एटम को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँगा आपको, ये एक एटम मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस तरह का होगा, दरमियान में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और साइड में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, साइड में कौन सी चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये मेरे पास नियोन गैस है, ये कौन सी गैस है मेरे पास, नियोन गैस है। अब होता ये है कि जैसे ही ये वाला यहाँ से गैस को इंटर करते हैं, जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन के नीचे जाती है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ मूव करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर से इलेक्ट्रॉन बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ मूव करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ टकराएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएगा, टकराने के बाद आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाएगा। क्या हुआ, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल के ऊपर आके देखें, ये काम जरूरी नहीं है जितने भी मॉलिक्यूल यहां से गुजरे सबके साथ ये वाला काम हो, मैक्सिमम वैसे के वैसे गुजर जाते हैं, 100 में से कोई 2 या 3%, 2 या 3% के साथ ये वाला काम हो रहा होता है। कौन सा काम होता है, ये वाला, कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आने के बाद टकराते हैं, टकराने के बाद इस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं और खुद भी बाहर आ जाते हैं, और ये जो बाहर की तरफ आते हैं ये नीचे से एनोड पड़ा होता है, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नीचे की तरफ खींच लेते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ खींच लेगा। अब जैसे ही इसमें से गुजरेंगे तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, मुझे ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में से निकाला जाता है तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब यहां से जो भी चीज गुजरेगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, मैक्सिमम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और याद रखिएगा यहां पे नेगेटिव चार्जेस आने के मिनिमम चांसेस होते हैं कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है, ये सिर्फ जाके अगले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, बाहर निकाल देता है, खुद जाके ऐड नहीं होता क्योंकि पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है इसके अंदर। अब पॉजिटिव चार्ज है तो आगे कौन सी प्लेट लगी हुई है, और इसके ऊपर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होता है, ये क्या करते हैं जी, इसकी तरफ बड़ी स्पीड से मूव करते हैं,
वो इतनी स्पीड से मूव करते हैं कि इसके साथ जाके चिपकते नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, इसके अंदर से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जिस तरह मैं कहूँ जी बाइक आ रही है पीछे से, एक स्लो स्पीड से आ रही है, आपने क्या करना है, इसको रोकना है। आप यहाँ पे खड़े हैं तो बाइक आई, आपने इसको पकड़ के रोक, जब स्लो स्पीड होगी आप भी थोड़ा सा पीछे जाओगे, अभी थोड़ा सा पीछे, अगर बाइक फुल स्पीड से आ रही है, मैं कहूँ जी इसको पकड़ के यहाँ पर रोकना है, आपका हाथ वो तो लग जाएगा, देखो रुकेगी नहीं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देने का मकसद ये होता है कि पीछे से ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें बड़ी स्पीड से आती हैं और इतनी स्पीड से आती हैं, ये इसके साथ चिपकती नहीं है बल्कि आगे की तरफ निकल जाती हैं, और इसको हम यूज़ ही स्पीड देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात याद है कि इसके से चिपकती क्यों नहीं है, क्योंकि पीछे से बड़ी स्पीड से, हाँ अगर स्लो दी आती तो ये इसके से चिपक जाती, स्पीड से आ रही हैं चिपकेंगी नहीं, आगे की तरफ निकल जाएंगी, क्या करेंगी आगे की तरफ निकल जाती है। और इसके बाद देखो आपके पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें यहाँ से भी आ रही हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें यहाँ से भी जाएंगी, यहाँ से भी जाएंगी, यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही है। हमें चाहिए होती है बिल्कुल एक पतली सी लाइन, बिल्कुल एक बारीक रो चाहिए होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजर के एक तरतीब में आए आगे कतार में। तो इसके लिए पता क्या काम करते हैं हम, आगे ना दो इस तरह के इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, और इसको मैं अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ ना, यहाँ पे इनके दरमियान होता है बिल्कुल बारीक से सुराख, इसके दरमियान बिल्कुल बारीक से सुराख होगा, दोनों के दरमियान में क्या होता है बारीक सा सुराख। अब यहाँ पे ना ये आपको शायद समझ में ना आ रहा, असल में इस तरह होता है, गोल होता है, और गोल होने के बाद यहाँ से बारीक सा सुराख होगा, इसके अंदर क्या होगा बिल्कुल बारीक सा होल होगा, जैसे एक रुपये का ठिप्पा लेंगे उसके अंदर बिल्कुल बारीक सा सुराख कर दीजिए, उसको यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब क्या होगा, जितने भी आयंस इन सुराखों के अलावा बाकी जहां पर भी आग लगेंगे वो यहीं पर रुक जाएंगे, सिर्फ यहां से वही आयंस गुजरेंगे जो इन सुराख के बिल्कुल सामने होंगे, क्या होंगे यहां से वही आयंस गुजरेंगे जो इन सुराख से बिल्कुल सामने होंगे, सही, यहां से गुजर के यहां सीधा जाना शुरू कर देंगे, सही है। यह क्या हमारे पास एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड है, और इनको हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि यहां पर हमारे पास एक नैरो बीम आए इलेक्ट्रॉन्स की या आयंस की, यहां पे आयंस की क्या है बिल्कुल पतली सी कितार आए, और इसी चीज को आगे हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो अभी तक जो बातें हमने कही हैं, आपने सबसे पहले इनलेट है सैंपल के लिए, यहां सैंपल को इंट्रोड्यूस करोगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, और उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर आ जाता है जहां पर आपके जो एलिमेंट्स हैं उसको आयंस में कन्वर्ट किया जाता है, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, आयंस में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड है जिससे हम इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, आगे हमें चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ एक कतार बिल्कुल पतली सी, एक कतार ही कह लो तो आयंस की बिल्कुल पतली सी, या एक लकीर चाहिए होती है या फिर एक कतार में आयंस चाहिए, तो उसके लिए हम दो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, उनके दरमियान बिल्कुल क्या होता है बारीक सा होल होता है, और इनमें से गुजरने के बाद हमारे पास बिल्कुल एक रो के अंदर सारे के सारे आयंस आ जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दो मैग्नेट लगा रखे होते हैं, क्या किया होता है यहाँ पे मैग्नेट लगा रहे होते हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, क्या नाम दे रहे होते हैं मैग्नेटिक, यहाँ पे एक मैग्नेट लगाया होगा और एक मैग्नेट हमने यहाँ पे लगा रखा होता है, सही, यहाँ पे हमने क्या लगा रखे हैं मैग्नेट लगा रखे हैं। अब मैग्नेट का इस तरह हमने असल में नहीं लगाया होता, याद रखिएगा असल में मैग्नेट को लगाया होता है, ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस तरह बना हुआ है ना, एक मैग्नेट इसके इस साइड में रखा होता है, एक इस साइड में, नॉर्थ पोल उस साइड पे, साउथ पोल इस साइड में रखेंगे, इस तरह रखा होता है, ये याद रखिएगा, इस तरह नहीं रखा हुआ, ये बात गलत है क्योंकि आप बना नहीं सकते, एक इसके पिछली साइड पे होगा एक इसके फ्रंट पे होगा, इस तरह हमारे पास दो मैग्नेट होंगे, इस तरह के होंगे हमारे पास दो मैग्नेट होंगे। अब याद रखिएगा यहां पर वही चीजें आ रही है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, इन सबके ऊपर कौन सा चार्ज है याद रखिएगा प्लस चार्ज, इनके ऊपर क्या चार्ज है प्लस चार्ज है। और ना जब भी किसी चार्ज बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हो तो वो इसके रास्ता चेंज कर देती है, क्या करेगी उसका रास्ता चेंज कर देगी। अब ये हमारे पास चार्ज चीज, इसके ऊपर चार्ज है, कौन सा चार्ज है प्लस, और अगर आप न्यूट्रल चीज को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हो, मैग्नेटिक फील्ड से मुराद क्या है कि आप दो मैग्नेट रख लो उसके दरमियान में जो इलाका है उसको मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे रहे होते हैं, सही है।
अब अगर किसी न्यूट्रल चीज को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हो तो उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा, सही है। अब जैसे ही यहां से गुजारते हैं ना तो ये अपना पाथ इस तरह चेंज कर लेते हैं, एक सर्कुलर पाथ में आ जाते हैं, इस तरह अपना पाथ क्या कर लेंगे चेंज, और यहां पे आकर टकराएंगे, और यहां पे लगा होता है हमारे पास डिटेक्टर, क्या लगा होगा डिटेक्टर, ये था जी पूरे का पूरा इंस्ट्रूमेंट। और यहां पे जैसे आकर टकराते, टकराने के बाद हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी कितना करंट यहां से पैदा हुआ है उसको मेजर करते हैं और इसे इसके मैस का अंदाजा लगा लेते हैं, सही है। तो अब लिखते हैं, अब यहां पे क्या काम, किस वजह से ये मुड़ रहे हैं, कौन सा इन कितनी स्पीड से मुड़ेगा, सही, कितना रेडियस बनाएगा, कौन ज्यादा दूर जाके लगेगा, कौन कम दूर जाके लगेगा, ये सारी की सारी चीजें हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली बच्चे इंस्ट्रूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें काम क्या हो रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है। अब ये काम किस बेस पर कर रहा है, किस तरह मैथ मालूम करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो अब द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथ स्पेक्ट्रोमीटर इज कंसिस्ट ऑफ, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, मैथ स्पेक्ट्रोमीटर इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, ये इन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है वेपोराइजेशन चैम्बर, पहला हिस्सा वेपोराइजेशन चैम्बर, ये हमारे पास पहला पार्ट है वेपोराइजेशन चैम्बर। इसके बाद सेकेंड हमारे पास हो जाता है आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ये वाली चीज़ आ जाती है, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स वगैरह, सही है। और उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को कलेक्टिविटी हम एक और भी नाम दे रहे होते हैं, मैस एनालाइजर। क्या नाम दे रहे होते हैं, मैस एनालाइजर, इनको कलेक्टिवली नाम दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को कलेक्टिवली हम मैस एनालाइजर का भी नाम दे रहे होते हैं बच्चे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही होती है वो है डिटेक्टर। डिटेक्टर के बाद हमारे पास आएगा एम्पलीफायर के बाद रिकॉर्ड या डाटा, रिकॉर्डेड डाटा। तो ये थे जी हमारे पास के मेन कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम बारी बारी हर एक को लिखेंगे, देखेंगे इसके कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कंपोनेंट इसमें।